आप लोगों के सपोर्ट के साथ कुछ टाइम बाद हम लोग भी प्रीमियम TWS की लड़िया लगा देंगे। एंड दोस्तों, वहां तक पहुंचने के लिए यह है एक और काफी यूनिक TWS, एंड इसमें आप लोगों को ऐसे काफी सारे फीचर मिलेंगे जो कि आपको सरप्राइज कर देंगे। एंड सबसे इंटरेस्टिंग तो इसकी साउंड क्वालिटी है, उसमें आपको सबसे ज्यादा मजा आने वाला है। इसमें आप लोगों को गेम मोड भी मिलता है, तो ये सारे फीचर मैं आगे आप लोगों को और डिटेल में बताऊंगा। तो आप जल्दी से अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। इसके बॉक्स में आप लोगों को इस तरह के TWS मिलते हैं, एक टाइप A2C केबल मिलती है, ईयरबड्स मिलते हैं और एक इस तरह की यूजर मैनुअल मिलती है, जिसकी आपको कोई जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि सारी चीजें तो मैं बताऊंगा। अभी स्टार्ट करते हैं इसके लुक और बिल्ड क्वालिटी से। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे तो वो भी काफी कूल हो जाएगा, क्योंकि कुछ ही दिनों में हमारे 1000 सब्सक्राइबर पूरे होने वाले हैं। और दोस्तों, इसके लुक के बारे में तो मैं आप लोगों को क्या ही बताऊं। आप लोग देख ही सकते हो कि इसको मंगाने का रीजन क्या है। Amazon और Flipkart में स्क्रॉल करते करते जैसे ही ये मेरे सामने आया, मैंने इन्हें ऑर्डर कर दिया बिना फीचर देखे, क्योंकि इसका लुक ही काफी इंटरेस्टिंग है और आप लोगों ने इस पे क्लिक भी तो इसी लुक की वजह से किया है। बिल्ड क्वालिटी के बारे में बताऊं तो ये पूरा ही प्लास्टिक का बना हुआ है एंड पूरा ही मैट फिनिश में है। ऊपर की तरफ इसमें आप लोगों को दो इस तरह की छोटी सी ग्लॉसी स्ट्रिप्स भी मिलती है, जिससे इसका लुक और भी ज्यादा एनहांस हो जाता है। आगे की तरफ इसमें आप लोगों को इस तरह की लाइट मिलती है और ऊपर की तरफ एक मांग भी है। एक चीज जो मुझे इसकी बिल्ड क्वालिटी के बारे में समझ नहीं आया वो है कि इतना बड़ा होने के बाद भी, मतलब अभी तक जितने भी हमने TWS रिव्यू करे हैं जिनका साइज अप्रोक्सीमेटली इतना ही था, उसमें आप लोगों को पावर बैंक मिलता था, लेकिन इसमें कोई पावर बैंक नहीं है। हालांकि वो पावर बैंक होता तो किसी काम का नहीं है, लेकिन फिर भी एक फीचर तो था ही वो। इसको चार्ज करने के लिए इसमें आप लोगों को एक टाइप सी पोर्ट मिल जाता है। अब केस ओपन करते ही सामने इसमें इंडिकेट कर रखा है कि लेफ्ट और राइट कौन सा है। ये है काफी छोटे छोटे और काफी प्यारे से ईयरबड, जिसकी स्टेम में आप लोगों को मैट फिनिश और ग्लॉसी फिनिश दोनों मिल जाएगी, और ऊपर की तरफ भी आप लोगों को आधा ग्लॉसी और आधा मैट फिनिश मिल जाता है एंड ये सिलिकॉन टिप्स के साथ आते हैं। लुक के अलावा जो इसमें काफी इंटरेस्टिंग चीज है वो है इसका साइज। आप लोग देख ही सकते हो कि ये कितने छोटे हैं, एंड अगर मैं आप लोगों को इनके वेट के बारे में बताऊं तो 3 ग्राम का एक ईयरबड है, मतलब आप लोग 6 ग्राम अपने कानों में लेके घूमोगे। और केस के बारे में बताऊं तो 56 ग्राम का ये केस है, मतलब जो कि कंपैरेटिवली काफी भारी है। आप लोग अपनी जेब में टोटल 62 ग्राम लेके घूमोगे। एंड जैसे मैंने इन ईयरबड्स को पहली बार देखा था तो मुझे लगा था इनकी फिटिंग क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होगी, क्योंकि जो इसका ऊपर वाला पार्ट है वो काफी अजीब तरह का लग रहा था। लेकिन जब मैंने इन्हें पहना तो मेरा ये पूरा ओपिनियन ही चेंज हो गया, क्योंकि ये हमारे कानों में इतनी अच्छी तरह से फिट हो जाते हैं, मतलब पूरा ही कान बंद हो जाता है तो बाहर की एम्बिएंट नॉइस आने की तो चांस ही नहीं है। हालांकि इसमें आप लोगों को ANC और ENC दोनों ही नहीं मिलते हैं, लेकिन फिर भी इन्हें लगाने के बाद ऐसा लगता है कि बाहर की आवाज बिल्कुल बंद ही हो गई है। अभी मैं इन्हें लगा के बोल रहा हूँ तो वो भी काफी अजीब सा ही लग रहा है। फिटिंग क्वालिटी काफी अच्छी है, अगर मैं इसमें कितने भी झटके दे दूं उसके बाद भी ये गिरेंगे नहीं। काफी छोटे छोटे हैं तो आपके कानों में दर्द भी नहीं होगा, एंड ये प्लास्टिक आपके कानों में चुभते भी नहीं है अगर आप लोग 6-7 घंटे भी यूज कर लोगे। अब मैं आप लोगों को इसकी बैटरी लाइफ के बारे में बताता हूँ। तो इस केस को चार्ज होने में अप्रोक्सीमेटली 1.5 घंटा लग जाता है, इन ईयरबड्स को चार्ज होने में अप्रोक्सीमेटली 1 घंटा 25 मिनट लग जाता है। लेकिन जो इसका सबसे बेस्ट फीचर है वो है इसकी बैटरी लाइफ। मतलब मैंने इन्हें एक बार चार्ज किया था, और मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, मैंने 50-60% पे यूज करा था एंड मुझे इजिली 9 से 10 घंटों का बैकअप मिल गया था, जो कि काफी बढ़िया है। लेकिन आप लोग इन्हें केस के साथ से 2 बार चार्ज कर सकते हो, और अगर आप लोग कहीं ट्रेवल वगैरह कर रहे हो तो इजीली आप लोगों को 24 घंटों का बैकअप काफी आराम से मिल जाएगा। और अगर आप लोग 100% वॉल्यूम पे भी सुनोगे या फिर काफी गेमिंग वगैरह भी करोगे तब भी 5-6 घंटों का बैकअप तो काफी आराम से मिल जाएगा। इसकी कनेक्टिविटी के बारे में बताऊं तो इसमें आप लोगों को ब्लूटूथ वर्जन 5.0 मिल जाता है। इसी प्राइस रेंज में आप लोगों को 5.3 भी मिल जाता है, तो अगर इसमें 5.1, 2 या 3 होता तो वो ज्यादा बढ़िया होता, लेकिन उसके बाद भी कनेक्टिविटी काफी सही है। केस से बाहर निकालते ही ये ऑटोमेटिकली विदिन 4 to 5 सेकंड लास्ट पे डिवाइस से कनेक्ट हो जाएंगे। ऑल्सो एक चीज मैं आप लोगों को बताना भूल गया था, तो जब आप लोग इस केस को चार्ज करोगे तो इसमें आगे की तरफ रेड लाइट जलेगी, और जब आप लोग ईयरबड्स को चार्ज करोगे तो इसमें ब्लू कलर की लाइट जलती है और इसकी ऊपर वाली मांग भी बढ़ जाती है। दोस्तों, गेम टेस्ट और इसकी साउंड क्वालिटी बताने से पहले एक बार आप लोग इसके माइक्रोफोन की क्वालिटी भी। तो जो अभी आप लोग आवाज सुन रहे हो वो इन्हीं ईयरफोन से रिकॉर्ड हो रही है। आप लोग नीचे कमेंट करके बताना कि आपको कैसी लगी। एंड इसी के साथ अगर मैं आप लोगों को इसके टच कंट्रोल के बारे में बताऊं तो सिंगल टैप करके आप लोग म्यूजिक को प्ले पॉज कर सकते हो, राइट वाले को डबल टैप करके म्यूजिक फॉरवर्ड हो जाएगा और लेफ्ट वाले को डबल टैप करके म्यूजिक बैकवर्ड हो जाएगा। किसी भी ईयरबड को होल्ड करने से वॉइस असिस्टेंट इनेबल हो जाता है, एंड इसमें आप लोगों को वॉल्यूम कंट्रोल का कोई भी ऑप्शन नहीं मिलेगा। एंड गेम मोड ऑन करने के लिए इसमें आप लोगों को 5 बार टैप करना पड़ता है। अब फाइनली बात करते हैं इसकी साउंड क्वालिटी के बारे में, जो कि आप लोगों को काफी ज्यादा सरप्राइज करने वाली है। पहली बार लगाने के बाद जब आप लोग इसकी डिसकनेक्टेड और कनेक्टेड वाली साउंड सुनोगे तो आप लोगों को लगेगा कि एकदम प्रीमियम क्वालिटी के TWS है। मतलब अभी तक मैंने जितने भी TWS रिव्यू करे हैं उनमें से सबसे बढ़िया कनेक्टेड और डिसकनेक्टेड की आवाज मुझे इन्हीं की लगी है। बहुत ही प्यारी, मतलब बहुत ही एकदम प्रीमियम आवाज लगती है। गाने सुनते वक्त इसमें आप लोगों को बेस उतना ज्यादा नहीं मिलेगा, मतलब पंची नहीं है और ना ही ज्यादा स्मूथ है, इसके बीच में मिलेगा। वोकल्स वगैरह भी क्लियर है, उतने ज्यादा लाउड नहीं है ये, मतलब 90% पे आप लोगों को चुभेंगे नहीं, बट जैसे ही 100% पे जाओगे तो इनकी आवाज थोड़ी सी चुभने लगती है। तो ओवरऑल इनकी साउंड क्वालिटी अच्छी है। एंड अगर आप लोग कोई बढ़िया गेमिंग TWS लेने की सोच रहे हो तो आप लोग ये वीडियो देख सकते हो।